अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सिवान के जीबी नगर थाना इलाके के हरदोबारा गांव के समीप बैंक मैनेजर पर हमला कर अपराधियों ने उनकी ब्लोरो गाड़ी और 2 लाख से अधिक कैश रुपए लूट कर फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार गोपालगंज के माधोपुर उत्तर ग्रामीण बैंक में मैनेजर के पद पर तैनात है। उनका नाम संजय पासवान है, जो तरवारा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने बैंक मैनेजर संजय पासवान और उनके ड्राइवर सुभाष यादव पर चाकू से हमला कर पैसे और बोलेरो गाड़ी को लूटकर फरार हो गए हैं। वारदात देर रात की बताई जा रही है। फिलहाल बैंक मैनेजर और ड्राइवर को सिवान के सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की जाँच में जुट गई है। सुनिए समाज सेवी श्रीनिवास यादव ने इस मामले पर क्या कुछ बताया। माधोपुर उत्तर ग्रामीण बैंक के मैनेजर संजय कुमार पासवान, वो अपने बैंक से आ रहे थे, तभी तरवारा जीवी नगर थाना हरदोपट्टी क्षेत्र में अपराधी ने स्कॉर्पियो से आया और घेर कर पहले चाकू से हमला किया। उसके बाद से उनके चालक संजय यादव को भी चाकू से जख्म कर दिया। जख्म करने के बाद अपने दोनों व्यक्ति को गाड़ी में बैठा दिए। गाड़ी में बैठा कर लिया कर यहाँ जीवी नगर थाना क्षेत्र में छोड़ दिए रोड पर, और गाड़ी लेके भागे। और मैनेजर साहब के जो बोलेरो निजी थी वो भी लेके भागे लोग, और उनके साथ 2 लाख से अधिक रुपया था वो भी लूट कर लिया। उनका मोबाइल सारे सामान को लूट लिया। बाकी निश्चित तौर पर ये जो घटना है, जिस तरह मैनेजर साहब बता रहे हैं कि बैंक में लूट डीज कराने के लिए वहाँ के कुछ लोग आए थे जो लोन कराते हैं, लोन माफिया, उन्होंने इनके बैंक में रख झक किए हैं। रख झक करने के बाद स्थानीय पुलिस को सूचना दिया गया। उसके बाद से किसी तरह वहाँ समझाने के बाद से मामला सलट गया। उसके बाद से उन्होंने धमकी दिया कि आप चलिएगा गांव की ओर तो हम मारने का काम करेंगे, और धमकी दे के और व्यक्ति ने मारने का काम किया। वैसे परिस्थिति में जो लोकल थाना है, जब मैनेजर साहब की संग इस तरह की बर्दात हुई है, तो थाना को निश्चित तौर पर इनको तरवारा जहाँ घर है वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। बाकी वो नहीं पहुँचाए तो कहीं ना कहीं दोष प्रतीत होता है कि प्रशासन का डर भय खत्म हो चुका है इस समय में। और मैं सिवान SP से मांग करता हूं कि जो व्यक्ति घटना किए हैं, चाहे गोपालगंज के व्यक्ति हो चाहे सिवान का व्यक्ति हो, उसको चिन्हित करके अविलंब गिरफ्तार करने का काम किया जाए, ताकि हमको लग रहा है कि वो ऐसा दबंग व्यक्ति है जब बैंक में जाके इस तरह की बात बोला है, बैंक में झंझट किया है, उसके बाद से दोबारा घटना कर दिया है, बोलेरो को भी लूट कर दिया है। तो ऐसे परिस्थिति में सिवान SP साहब मांग करते हैं कि इस घटना में जो भी व्यक्ति है अपराधी है उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए, ताकि आने वाले समय में फिर इससे दूसरी घटना न कर सकें।